अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विट्ठलवाड़ी पुलिस इन दिनों 25 साल के ऐसे आरोपी को तलाश रही थी जिसने 36 वर्षीय एक महिला की हत्या कर दी थी। विट्ठलवाड़ी पुलिस का मानना है कि फरार आरोपी का नाम अनिल भक्सोड़े था जिसको पुलिस ने इगतपुरी से गिरफ्तार कर लिया है। 36 वर्षीय सुकन्या अवार्ड नाम की शादीशुदा महिला के साथ हुआ लिव इन रिलेशन में रहता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ पिछले कई महीनों से रहते थे। बताया जा रहा है कि सुकन्या के पति की 7 साल पहले ही मौत हो गई थी जिसके बाद सुकन्या अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन इसी बीच उसकी जान पहचान अनिल से हुई और कुछ दिनों में दोनों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए और दोनों ने शादी का फैसला किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अनिल को शराब पीने की बुरी लत थी जिसको लेकर कई बार सुकन्या और अनिल के बीच कहासुनी भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर 2 साल बीत जाने के बाद जब सुकन्या शादी की बात करती तो अनिल उसके साथ झगड़ने लग जाता था। इसी तरह 12 मार्च को भी दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि अनिल ने सुकन्या का सिर दीवार पर पटक दिया जिससे सुकन्या बुरी तरह से घायल हो गई। घायल अवस्था में सुकन्या को उल्लासनगर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन स्थिति खराब होते देख उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन 14 मार्च को सुकन्या की इलाज के दौरान मौत हो गई। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय गायकवाड़ के मुताबिक विट्ठलवाड़ी पुलिस ने अनिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अब उसे जाकर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इगतपुरी से गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन सीआर रजिस्टर 71 जो अंडर सेक्शन 302 से दाखिल है, उसका जो एक्यूज पर्सन है अनिल भक्सोड़े, ये जो एक्यूज है वो उसका जो नेटिव प्लेस है जालना, वो जालना गया था और जालना से फिर 17 तारीख को वापस आ रहा था। इगतपुरी स्टेशन में हमारा डिटेक्शन स्टाफ गया, पीएसआई राजपूत और उसकी पूरी टीम, और इगतपुरी स्टेशन से ट्रेन से उसको उतार के उसको हमने अरेस्ट किया। उसको जो दारू पीने का व्यसन था और घर में छोटे मोटे जो रीज़न है उसके ऊपर उसको तो औरत को मारता था, और 12 तारीख को दारू पिया था। वो दारू पीने समय उसने वो औरत से हाथापाई की और 15 तारीख को